हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 17 का जो स्टेबल अपडेट है उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े जब भी एप्पल रिलीज़ करेगा iOS 17 का स्टेबल iOS वर्जन आप सभी के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम्स फेस होती रहती हैं आईफोन यूजर्स को कि उनको iOS 17 या कोई भी लेटेस्ट अपडेट जब अपलोड होता है तो वो उनको शो नहीं होता है या उनका डिवाइस उनको शो ही नहीं करता है। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आप सभी भी स्टेबल अपडेट का जो अपडेट है वो अपने डिवाइसेस के ऊपर रिसीव कर सको और बिना किसी प्रॉब्लम के उसे अपने आईफोन्स में इंस्टॉल कर सको। सो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात आती है आईफोन की बैकअप को लेकर। आपको अपने डिवाइस को अच्छी तरह से बैकअप करना है जब भी आप इंस्टॉल करने लगे हो अपने स्टेबल अपडेट को iOS 17 के। तो यहाँ पर जो स्टेबल अपडेट है iOS 17 का वो आपको 18th ऑफ सितंबर को ऑफिशियली अपने आईफोन्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो एक दिन पहले आपको अपने डिवाइस का अच्छी तरह से बैकअप क्रिएट करना है, जैसे कि कुछ एक ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप का एप्लीकेशन, जिनका आपको बैकअप क्रिएट करना है अपने आईफोन में। जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी का आपको अच्छी तरह से बैकअप क्रिएट करना है। बैकअप क्रिएट करने के लिए आप पर iTunes सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो या ट्रियो टूल को यूज़ कर सकते हो और उसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में मैकबुक में सेव कर सकते हो अपने सारे के सारे डेटा को। और उसके बाद आप यहाँ पर iCloud में भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। आपको यहाँ पर iCloud ID के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको iCloud के ऊपर टैप करके यहाँ पर आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बैकअप iCloud को आपने यहाँ से ऑन कर देना है, जिसके साथ आप इजीली अपने डिवाइस के सारे बैकअप को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बैकअप नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आप इस बैकअप को अपने मोबाइल डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हो और वाईफाई को भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे इस डिवाइस के ऊपर करंटली इतने MB का जो बैकअप है मैंने यहाँ पर कर रखा है। जब भी आपको अपने बैकअप को क्रिएट करना है तो सिंपली अपने डिवाइस को कहूंगा कि वाईफाई के साथ जरूर कनेक्ट करके रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो अपने इंटरनेट कनेक्शन को लेकर। तो सेकेंडली बात आती है अपने आईफोन में स्टोरेज की। स्टोरेज कितनी होनी चाहिए स्टेबल अपडेट को इंस्टॉल करने के टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन की स्टोरेज में अगर आपके पास कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो आपका सिस्टम डेटा इकट्ठा कर रखा है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना है। तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर 15 GB से 20 GB तक की जो फ्री अप स्टोरेज है वो आपके आईफोन की स्टोरेज में होनी चाहिए। तो करंटली मेरे आईफोन 13 पे 63 GB यूज़र रखी है 128 GB में से। तो यहाँ पर मैं इजिली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता हूँ iOS 17 के नए स्टेबल अपडेट को, क्योंकि जो स्टेबल अपडेट है iOS 17 का उसका जो साइज रहने वाला है वो 4 GB से लेकर 5 या 5.5 GB तक भी हो सकता है। तो इसलिए आपके पास कुछ ऐसी इनफ स्टोरेज होनी चाहिए जिसके साथ आपको कोई भी स्टोरेज को लेकर कोई भी इशू फेस ना करना पड़े कि यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर कि आपका ये जो आईफोन है वो आउट ऑफ स्टोरेज हो चुका है। आपको फ्री अप करने पड़ेगी अपने आईफोन की स्टोरेज, तभी आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो इस नए लेटेस्ट अपडेट को। तो थर्ड नंबर जो टिप है वो ये रहती है कि आपको अपने डिवाइस को कम्प्लीटली चार्ज करना है। 80% से अबव होना चाहिए आपका जो आईफोन है ताकि आपका जो डिवाइस है वो स्विच ऑफ ना हो जब आप उसे अपडेट के ऊपर सेट कर रहे हो या अपडेट आपका डाउनलोड हो रहा है। तो आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जब भी आप अपने डिवाइस को स्टेबल अपडेट के ऊपर अपडेट करो तो आपको अपने डिवाइस को कम्प्लीटली चार्ज करके ही अपडेट के ऊपर टैप करना है, वरना अगर आप इसको चार्जिंग के ऊपर सेट करके अपडेट के ऊपर सेट करोगे तो आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट होने वाला है। तो मेक श्योर कि इस बात का आप इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको अपने डिवाइस को पहले कम्प्लीटली चार्ज करना है, उसी के बाद आपको अपडेट डाउनलोड के ऊपर टैप के उसे इंस्टॉल करना है, वरना आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है। हीटिंग के कारण आपकी बैटरी भी डैमेज हो सकती है और उसके कारण आपकी बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप हो सकती है। तो इसलिए बैटरी हेल्थ जो है वो आईफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप इजिली इस स्टेबल अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। और बात आती है इसके RC अपडेट की। तो RC अपडेट जो होता है वो रिलीज कैंडिडेट होता है, तो ये जो अपडेट होता है स्टेबल अपडेट के मुकाबले का ही होता है। आप
RCA अपडेट को भी इंस्टॉल कर सकते हो, और जो iOS 17 का ऑफिशियल वर्जन है वो आपको 18th ऑफ सितंबर को देखने को मिलेगा। जो RCA अपडेट है वो आपको 12th ऑफ सितंबर को देखने को मिल सकता है अपने iPhones के ऊपर। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है, जनरल पे टैप करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर टैप करो, और यहाँ पर आपको बीटा अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप करके iOS 17 को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इजीली रिसीव कर सकते हो iOS 17 के RC अपडेट को। RC अपडेट और स्टेबल अपडेट दोनों सेम होते हैं, दोनों का साइज भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, तो दोनों में से आप कोई भी अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। तो यही थे कुछ एक ऐसे टिप्स जिनको आपको ध्यान में रखना है स्टेबल अपडेट को इंस्टॉल करने के टाइम अपने आईफोन के ऊपर, ताकि आप बिना किसी प्रॉब्लम के डाउनलोड इंस्टॉल कर सको iOS 17 के स्टेबल अपडेट को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।